के न्यूज अस्सलाम वालेकुम, जेके न्यूज के साथ मैं हूं जुनेद अंसारी। आज की हेडलाइन, पाकिस्तान में अमरीकी सफीर कैमरून मंटर ने कहा है कि अमरीका पाकिस्तान और आजाद कश्मीर के खुशहाल मुस्तकबिल और तामीर नौ मंसूबों के लिए मदद फ्राहम करता रहेगा। आजाद कश्मीर में तालीम और सेहत के लिए 220 मिलियन रुपए खर्च कर चुके हैं, मजीद काम जारी रखा जाएगा। आजाद कश्मीर के साबिक वजीर आजम बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला कश्मीर सबसे बड़ा तनाजा है। आलमी बरादरी की तरफ से दो एटमी ताकतों को अपने हाल पर छोड़ देने के भयानक नतायज बरामद हो सकते हैं। आल जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर सरदार अतीक अहमद खान ने कहा है कि रूहानी मराकज और ओलिया के आस्ताने रुश्द व हदायत और तसव्वुफ व मारफत के अजीम मराकज हैं। पीर गुलाम मुहियुद्दीन गजनवी ने नेरिया शरीफ आकर बयाबान जंगल को बड़ी बस्ती में आबाद कर दिया। मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर के सदर राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान ने मुतालबा किया है कि आजाद कश्मीर में असरेनो आम इंतखाबात कराए जाएं। पाकिस्तान के हुक्मरान मगरबी ताकतों के इशारों पर मुल्क की सालमियत से खेल रहे हैं। मीरपुर शहर की सबसे बड़ी शाहरा हाल रोड की तामीर में मुबैना तौर पर नाकस मटीरियल का इस्तेमाल, कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का टीका। सरकारी इदारों के अरबाब इख्तियार ने मुकम्मल चश्मपोशी इख्तियार कर ली। महकमा बरकियात आजाद कश्मीर के मुलाजमीन की काम छोड़ और तालाबंद हड़ताल जारी, मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का अज़्म। मुलाजमीन ने महकमा बरकियात के दफातर के बाहर एहतजाजी कैंप कायम कर लिया। बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन लॉर्ड नजीर अहमद ने कहा है कि जबरी शादी किसी एतवार से जायज नहीं। हुकूमत बरतानिया की नई कानून साजी फोर्स मैरिज की मुस्बत रोकथाम के लिए रुकावट बन जाएगी। पाकिस्तान में अमरीकी सफीर कैमरून मंटर ने कहा है कि अमरीका पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के खुशहाल मुस्तकबिल और तामीर नौ मंसूबों के लिए मदद फराहम करता रहेगा। आज़ाद कश्मीर में तालीम और सेहत के लिए 220 मिलियन रुपए खर्च कर चुके हैं, मजीद काम जारी रखा जाएगा। अमरीकी सफीर कैमरून मेंटर ने कहा है कि अमरीका ने 2005 के जलजले में दीगर आलमी तंजीमों के साथ मिलकर जो खिदमात सर अंजाम दी और जो काम किया, इससे हमें खुशी हुई। हम अपना काम आज़ाद कश्मीर में ख़त्म नहीं कर रहे बल्कि मजीद जारी रखेंगे। बाग में अर्जा के मकाम पर गवर्नमेंट हाई स्कूल में एक तकरीब से खिताब करते हुए कैमरून मेंटर ने कहा कि अमरीका आज़ाद कश्मीर में महकमा तालीम और सेहत पर अब तक 220 मिलियन रुपये खर्च कर चुका है। उन्होंने कहा कि जलजला के दौरान आज़ाद कश्मीर में जो कीमती इंसानी जानें जाया हुई, हमें इस पर बेहद अफसोस है। अमरीकी सफीर की स्कूल आमद के मौका पर बच्चों ने पीटी शो पेश किया, जबकि स्कूल की नन्नी मुन्नी बच्चियों ने वेलकम सॉन्ग पेश किया और मेहमान खुसूसी पर फूलों की पत्तियां निछावर की। आजाद कश्मीर के साबिक वजीर आजम बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला कश्मीर सबसे बड़ा तनाजा है। आलमी बरादरी की तरफ से दो एटमी ताकतों को अपने हाल पर छोड़ देने के भयानक नतायज बरामद हो सकते हैं। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर में निहत्ते अवाम का कत्लेआम जारी है। आलमी बरादरी कश्मीरियों को हक के खुद इरादियत दिलाने के लिए अपना किरदार अदा करे। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद पर अमन है, अक्वामे मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल चाहते हैं। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि आलमी बरादरी मसला कश्मीर पर भारत और पाकिस्तान जो दोनों एटमी कुव्वतें हैं को अगर नजरअंदाज करेंगी तो ये किसी के मफाद में नहीं होगा। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली उरूज पर है।
और इन हालात में बैन अल-अक़वामी बरादरी को इस तरह खामोश तमाशाई नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक संगीन नोयत का तनाजा है, चूँकि पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं और किसी भी छोटे से हादसे या वाकये की वजह से इस रीजन में एक एटमी जंग का खतरा लाहक हो सकता है। किसी भी मुमकिन एटमी जंग को रोकने के लिए आलमी बरादरी को खामोश तमाशाई बनने के बजाय मसला कश्मीर को हल कराने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर सरदार अतीक अहमद खान ने कहा है कि रूहानी मराकज और ओलिया के आस्ताने रुश्द व हदायत और तसव्वुफ व मारफत के अजीम मराकज हैं। पीर गुलाम मुहीउद्दीन गजनवी ने नेरिया शरीफ आकर बयाबान जंगल को बड़ी बस्ती में आबाद कर दिया। सरदार अतीक अहमद खान ने कहा कि दुनिया में हर चीज में कमी वाकई हो रही है, लेकिन रूहानी मराकज में रौनकें दिन ब दिन मजीद बढ़ रही हैं। औलिया का कुर्ब भी मखलूक खुदा की अंदरूनी व बैरूनी कैफियत को तब्दील कर सकता है। दरबार आलिया नेरिया शरीफ में बरसगीर पाक व हिंद के मारूफ रूहानी पेशवा हजरत पीर अलाउद्दीन सदीकी से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए सरदार अतीक अहमद खान ने कहा कि इस गद्दी की कौमी दीनी और समाजी खिदमात का चर्चा मशरक व मगरब से होता हुआ हर सू फैल चुका है। उन्होंने कहा कि जन्नत अर्जी कश्मीर में औलिया कामलीन ने इस्लाम की तबलीग और इशाअत के लिए कलीदी किरदार अदा किया है। सरदार अतीक अहमद खान ने कहा कि कश्मीर में रूहानी मराकज और आस्ताने रुश्द व हदायत तसव्वुफ और मारफत के अजीम मराकज हैं, जहाँ से मखलूक खुदा के कल्बी इस्लाह और समाजी भलाई के कदम उठते रहते हैं। सरदार अतीक अहमद खान ने कहा कि हजरत पीर अलाउद्दीन सदीकी ने अपने वालिद अजीमुल मर्तबत के दीनी और रूहानी मिशन को चार चांद लगा दिए हैं, जिसकी वजह से इनकी शोहरत जनूबी एशिया और दुनिया भर में फैल चुकी है। सरदार अतीक अहमद खान ने कहा कि दरबार आलिया नेरिया शरीफ की तरफ से इस्लामी यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज नूर टीवी चैनल और अब अस्पताल का प्रोजेक्ट हर शोबे में बेमिसाल तब्दीली और अमली खिदमत की तस्वीर है। मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर के सदर राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान ने मुतालबा किया है कि आजाद कश्मीर में असर नो आम इंतखाबात कराए जाएं। पाकिस्तान के हुक्मरान मगरबी ताकतों के इशारों पर मुल्क की सालमियत से खेल रहे हैं। राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान ने कहा है कि आजाद कश्मीर में धांधली की पैदावार हुकूमत खत्म करके असरनो कानून साज असम्बली के इंतखाबात कराए जाएं। मुजफ्फराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत की तरफ से पेश किए गए अवाम दुश्मन बजट को हम मुस्तरद करते हैं। उन्होंने कहा कि मुजफ्फराबाद से पहले एक वजीर आजम दारुल हुकूमत कहीं और मुंतकिल करना चाहता था, जबकि अब दूसरा मुजफ्फराबाद को उजाड़ने में मसरूफ है। राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान ने कहा कि आजाद कश्मीर ने मशीरों की फौज जफरमोज भर्ती कर रखी है। अगर वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद इस फौज को लेकर सीज फायर लाइन क्रॉस करें तो हम इनका साथ देंगे। राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान ने कहा कि रियासत के अवाम और मुस्लिम लीग नून के कारकुनों का हर सूरत में तहफ्फुज करूंगा। अगर मैं इनके हुकूक का सौदा कर दूँ तो अपने बच्चों का गोश्त खाऊं। उन्होंने कहा कि हुक्मरानों ने आमदा इलेक्शन में धांधली के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस किए हुए हैं, जबकि मुतासरीन जलजिला के 55 अरब रुपए अभी तक वापस नहीं किए गए। कश्मीर काउंसिल ईयू के चेयरमैन अली रजा सैयद ने कहा है कि बैरून मुल्कों में मुकीम कश्मीरी तारकीन वतन मसला कश्मीर को आलमी फोरमों पर मौसर अंदाज में उजागर करने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अली रजा सैयद ने कहा है कि मसला कश्मीर की संगीनी से आलमी बरादरी बखूबी आगाह हो चुकी है और यूरोपीय ममालक के मेंबरान पार्लियामेंट ने कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत की हमायत करते हुए अपने भरपूर तावन का यकीन दिलाया है। बरसल में यूरोपियन ममालक के मेंबरान पार्लियामेंट से मुलाकातों के बाद जेके न्यूज से गुफ्तगू करते हुए अली रजा सैयद ने कहा कि दुनिया अब इस नतीजे पर पहुँच चुकी है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला कश्मीर पर मुतवक्के एटमी जंग होने से पहले मसला कश्मीर को हल कराने के लिए यूरोपियन ममालिक अपना किरदार अदा करते हुए भारत पर सफारती दबाव बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में मुकीम तारकीन वतन कश्मीरी कश्मीर काउंसिल ईयू की तरफ से मसला कश्मीर को आलमी फोरमों पर मौसर अंदाज में उजागर करने पर रोजाना हजारों की तादाद में ईमेल्स और टेलीफोनिक पैगाम के जरिए कश्मीर काउंसिल ईयू के किरदार को भरपूर अंदाज में सपोर्ट और मुकम्मल एतमाद का इजहार कर रहे हैं। अली रजा सैयद ने कहा कि दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों को यकीन दिलाता हूँ कि मसला कश्मीर को हर फोरम पर उजागर करने के लिए कोई दकीका फरोगुजाश्त नहीं करूंगा।
चेयरमैन कश्मीर सेंटर ब्रसल्स अब्दुल मजीद तरंबो ने ब्रसल्स में एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि कश्मीर सेंटर खालिस कश्मीरियों का इदारा है जो सिर्फ और सिर्फ कश्मीरियों के लिए काम करता है, किसी हुकूमत या एजेंसियों के लिए नहीं। मजीद तफसील ब्रसल्स से हमारे नुमाइंदे मिर्जा इमरान बेग की इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता रोज़ कश्मीर सेंटर ब्रसल्स ने एक प्रेस ब्रीफिंग का इनकार किया। इस मौके पर ब्रिसर अब्दुल मजीद तरंबो ने कश्मीर सेंटर ब्रसल्स की गुज़िश्ता साल की कारकर्दगी पर रोशनी डाली। चेयरमैन कश्मीर सेंटर ब्रसल्स अब्दुल मजीद तरंबो के अलावा प्रोफेसर नज़ीर अहमद चाल, एडवाइजरी कौंसिल के अहदेदारान और साबक MEP मिस्टर फ्रैंक भी ब्रीफिंग में मौजूद थे। प्रेस ब्रीफिंग में इस बात का इरादा किया गया कि कामनवेल्थ, यूरोपियन यूनियन, OIC और UN इंसानी हकूक जनेवा के अंदर मसला कश्मीर को भरपूर अंदाज में उजागर किया जाएगा ताकि कश्मीर में बढ़ते हुए मुजालम को रोका जा सके। अब्दुल मजीद तरंबो ने मजीद कहा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद गुज़िश्ता साल कश्मीर सेंटर पर जो बयान लगाए गए थे उनका जवाब देना और ये बात बराबर करवाना है कि कश्मीर सेंटर जो कश्मीरियों का अदारा है, कश्मीर सेंटर वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन पर चल रहा है, कश्मीर सेंटर सिर्फ कश्मीरियों के लिए काम करता है, किसी हुकूमत या एजेंसी के लिए नहीं बल्कि खालस और खालस कश्मीरियों के लिए। इस प्रेस ब्रीफिंग में सहाफ़ियों, मुख्तलिफ NGOs के नुमाइंदों, कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भी शिरकत की। इमरान बेग, JK News, ब्रसल्स। मीरपुर शहर की सबसे बड़ी शाहरा हाल रोड की तामीर में मुबीना तौर पर नाकस मटेरियल का इस्तेमाल, कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का टीका। सरकारी इदारों के अरबाब इख्तियार ने मुकम्मल चश्मपोशी इख्तियार कर ली। हाल रोड गुज़िश्ता 2 सालों से खंडरात में तब्दील हो चुकी है। मीरपुर शहर में सड़कों की नागुफ्ता बेहालत, सड़कें खंडरात का मंजर पेश करने लगी। शहर की सबसे बड़ी शाहरा हाल रोड गुज़िश्ता 2 सालों से खंडरात में तब्दील हो चुकी थी, जहां से ट्रांसपोर्ट तो क्या, शहरियों का पैदल चलना भी महाल हो चुका था। शहरियों के बार बार एहतजाज के बावजूद मकामी तामीराती इदारों ने मुकम्मल चश्मपोशी इख्तियार किए रखी, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किल का सामना था। लेकिन अब वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने इस सड़क की खस्ता हाली का फौरी नोटिस लेते हुए सड़क तामीर करने का ऐलान भी किया और इस पर अमल दरामद भी शुरू हो गया। लेकिन सड़क तामीर करने वाले इदारे PMU और महकमा शाहरात के अरबाब इख्तियार की मुबैना तौर पर मिली भगत से हाल रोड की तामीर में इंतहाई नाकस और गैर मियारी मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है। शहरियों ने वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद से मुतालबा किया है कि वो हाल रोड की गैर मियारी तामीर और इसमें मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए गबन करने वाले महकमे और ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए हाल रोड की नाकस तामीर की फौरी तौर पर इंक्वायरी करवाएं। महकमे बरकियात आजाद कश्मीर के मुलाजमीन की काम छोड़ और तालाबंद हड़ताल जारी, मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का अज़्म। मुलाजमीन ने महकमे बरकियात के दफातर के बाहर एहतजाजी कैंप कायम कर लिया। अपने हकूक के हसूल तक हड़ताल जारी रहेगी। मुलाजमीन रहनुमाओं की JK News से गुफ्तगु। मरकजी तंजीम फनी मुलाजमीन महकमा बरकियात आजाद कश्मीर की कॉल पर पूरे आजाद कश्मीर की तरह मीरपुर में बरकियात मुलाजमीन काम छोड़कर एहतजाजी धरने में शामिल हो गए। एहतजाजी धरने से कैसर मसूद भट्ट, कैसर शिराज काजमी, चौधरी गुलजार, मोहम्मद अकरम मुगल, मलक मोहम्मद तारक और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि महकमा बरकियात की ब्यूरोक्रेसी और सेक्रेटरी बरकियात की रवायती मुलाजम कुश पॉलिसी और दुश्मनी से मुलाजमीन बरकियात का सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। मुलाजमीन क्यात अपने जायज और मंजूर शुदा मुतालबात की अदम मंजूरी पर पूरे आजाद कश्मीर में सरापा एहतजाज हैं। उन्होंने कहा कि अवाम को सहूलतें मुहैया करने और हुकूमत को रिकॉर्ड रेवेन्यू देने वाले महकमा के मुलाजमीन अपने हुकूक के लिए सड़कों पर सरापा एहतजाज हैं और पूरे आजाद कश्मीर में एहतजाजी रैलियां, जलसा, जुलूस और एहतजाजी धरने शुरू हो गए हैं। अगर अब भी ब्यूरोक्रेसी और सेक्रेटरी मालियात ने बरकियात मुलाजमीन के मुतालबात को यकसू न किया तो दमा दम मस्त कलंदर होगा। हमारी जो ये हड़ताल है ये मरकजी कायद सरदार शाहपाल खान साहब की कॉल पर है। हमारा एक ही मुतालबा है अपग्रेडेशन का, उसका नोटिफिकेशन जब तक हमें नहीं मिलेगा हम हड़ताल जारी रखेंगे। आज महकमा बरकियात फनी तंजीम की हड़ताल का दूसरा दिन है और इससे पहले इन्होंने जो है एक एक दिन की हड़ताल की हुई थी और महकमे के जो ऑफिसरान ने या सेक्रेटरी लेवल के लोगों ने इनकी हड़ताल पे नोटिस नहीं लिया तो मजबूरन इनको हड़ताल करना पड़ी। और इससे पहले भी जो है 1 साल कबल भी जून में इन्होंने हड़ताल की थी,
लेकिन वादा किया गया था कि हम इनके मुतालबात जो हैं वो हल करेंगे, लेकिन ताल इनके मामलात को हल नहीं किया गया। तो मैं अब जो है ये हड़ताल तो उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक इनके मुतालबात हल नहीं हो सकते। गुज़श्ता कई सालों से हम हुकूमत आज़ाद कश्मीर को अपने मुतालबात पेश कर रहे थे जिस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही थी, तो उस हवाले से आज हड़ताल का ये दूसरा रोज़ है कि पूरे आज़ाद कश्मीर में महकमा बरक़ियात के मुलाज़मीन सरापा एहतजाज हैं और सड़कों के ऊपर आकर हुकूमत आज़ाद कश्मीर से अपने अपग्रेडेशन का जो केस है उसके लिए जो है वो मदद मांग रहे हैं, मगर महकमा मालियात के अंदर इस केस को पजीराई नहीं बख्शी जा रही, जिस सिलसिला में हम सड़कों के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं। पूरे महकमे, पूरे कश्मीर में, पूरे पाकिस्तान में तमाम जो क्लर्क स्टेशन की तरफ से हमने जो मुतालबात है उन्होंने पूरे किए हैं, लेकिन जो हमारा जो महकमा बरक़ियात का महकमा है इसमें हमें जो अपग्रेडेशन है वो नहीं दी गई। इसमें जो हमारे लैंड सब्डर साहबान हैं, सब इंजीनियर साहब, उन्हें बापटा में 13 स्केल है, यहाँ हमारा जो है 11वां स्केल है, इसी तरह मेरे सुपरवाइज़र हैं उनका यहाँ 7वां स्केल है जबकि बापटा में 9वां स्केल है, इसी तरह जो बाकी जो हमारे जो नीचे जो लैंड मैन हैं इसी तरह हमारे जो लैंड मैन हैं उन्हें बापटा में 9 स्केल दिया गया है और जो हमारे यहाँ वो 7वें स्केल में, ये जो तजाद है इस वजह से महकमा बरक़ियात के जो मुलाज़मीन हैं सब हड़ताल पर आए हुए हैं और जो हमारी मरकजी तंजीम है फनी मुलाज़मीन महकमा बरक़ियात की उसने पूरे कश्मीर में हड़ताल निकाल दी हुई है और जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते जिसमें सबसे पहले हमारी वापटा मरात और वापटा आप कंडीशन है, जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते मैं बस ये जनरल सेक्रेटरी आल पाकिस्तान का स्टेशन मैंने अपनी मदद का मुकम्मल यकीनी दिलाया हुआ है और हमेशा और हम जितनी देर तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे हम इनके साथ हैं और हमारी जो हमदर्दियाँ हैं जो हमारी हमायत है ये फनी तंजीम महकमा बरक़ियात के साथ है। 14 जून को अतियाए खून के आलमी दिन के मौका पर कश्मीर ब्लड बैंक ने ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया। इस हवाले से देखते हैं जेके न्यूज की ये रिपोर्ट। 14 जून को पूरी दुनिया में खून अतिया करने का दिन मनाया जाता है। इस दिन की मुनासिबत से दुनिया में मुख्तलिफ एनजीओस तकरीबात का इनेकाद करके खून का अतिया देने की अहमियत को उजागर करती हैं। कश्मीर फ्री ब्लड बैंक के जेर एहतमाम लगाए गए कैंप में नौजवानों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत करके खून के अतियात दिए। जेके न्यूज से गुफ्तगू करते हुए खून का अतिया देने वाले नौजवानों ने खून के अतियात के हवाले से बातचीत की। 14 जून को मैं कश्मीर ब्लड बैंक में आके मैंने खून का अतिया दिया और मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आलमी अतिया बराए खून का दिन मनाया जा रहा है और मेरी बाकी दोस्तों से भी अपील है कि वो भी यहाँ पे आए और खून का अतिया दें। 14 जून है, आलमी अतिया खून का बहुत आलमी दिन है और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ये मौका मिला है खून देने का और तमाम नौजवान से गुजारिश है कि वो इसमें शिरकत करें। मेरी तमाम दोस्तों से अपील है कि वो भी इस नए काम में हिस्सा डालें और मुझे उम्मीद है कि आप भी इस नए काम में हिस्सा डालेंगे और मैंने भी खून दिया है। मैंने गुज़श्ता इन 7 माह में 3 मरतबा ब्लड अतिया दिया है कश्मीर ब्लड बैंक में, जो कि गुज़श्ता 25 साल से दुखी इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ हैं। मेरे तमाम नौजवान दोस्तों, भाइयों और बड़ों से अपील है कि वो ब्लड अतिया देकर कश्मीर ब्लड बैंक को सराहें, ताकि क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि किसी एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत को बचाने के मुतरादिफ़ है और ब्लड देने से कुछ भी नहीं होता। आम लोगों में ये तासर पाया जाता है कि अतिया खून देने से शायद कोई बीमारी या कोई कमज़ोरी लाहक हो जाती है। मैं समझता हूँ कि अतिया खून देने से किसी भी किस्म की कोई बीमारी या कोई कमज़ोरी लाहक नहीं होती, बल्कि आदमी पहले से ज़्यादा तवाना, तंदरुस्त और सेहतमंद हो जाता है। और ये तासर के ब्लड कितने अरसे के बाद देना चाहिए, 3 से 4 महीने के बाद दे देना चाहिए, साल में 3 या 4 दफ़ा ब्लड देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे सेहत पर इंतहाई अच्छे असरात मरतब होते हैं। डायलिसिस करवाने वाले मरीजों, थैलेसीमिया के मर्ज में मुबतला बच्चों और मुख्तलिफ हादसात का शिकार होने वाले जख्मियों के लिए खून का अतिया जिंदगी की अलामत है। गुज़श्ता हफ्ते बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म डेविड कैमरून की जानिब से फोर्स्ड मैरिजेस के लिए नए कानून बनाने के बयान पर बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन लॉर्ड नज़ीर अहमद ने रद्द अमल देते हुए कहा है कि जबरी शादियां किसी मजहब, किसी कानून में किसी एतबार से जायज़ नहीं हैं, लेकिन हुकूमत बरतानिया नई कानून साजी करके मुश्किलात में इजाफा करेगी। उन्होंने कहा कि बगैर देखे शादी का रवाज इस्लामी नहीं बल्कि इलाकाई कल्चर है, जिसमें बरेसगीर और कश्मीर में सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदू और सिख कम्युनिटी भी ऐसा ही करते थे और करते हैं।
लड़की और लड़के को शादी से कबल बकायदा दूर रखा जाता था और शादी के बाद ही मिलने को तरजीह दी जाती थी, मगर आज वो बात खत्म होती जा रही है। अब मीडिया और दिगर तब्दीलियों की वजह से बच्चों की मर्जी जरूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत बरतानिया को सिर्फ ये बात समझाने की जरूरत है कि वालदैन की मर्जी की शादी और जबरी शादी के मतलब को वाजिया करना होगा, इसलिए ऐसे वालदैन को एजुकेट करना चाहिए। कल अगर ये मसला कोर्ट में जाता है तो बड़ा मुश्किल होगा। इसी के साथ आज के खबरनामे से मुझे दीजिए इजाजत। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jknews.tv। JK News।